बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आज बना लगी हूँ चिकन और टिंडों का सालन। तो आइए अब बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने लिया है एक प्याली घी, इसमें ये डालेंगे एक प्याली प्याज। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी हो रही है ब्राउन। चिकन तीन पाव हमारे पास चिकन है और हाफ के जी टिंडे हैं। तो प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब ये हम इसमें ग्राइंडर में डालेंगे ये टमाटर, ये तीन टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, और जो हमने प्याज ब्राउन की है वो भी अब इसमें डालेंगे। और लहसुन अदरक अगर आपके पास पिसा हुआ है तो वो रहने दें, अगर पीसने वाला है तो वो भी आप इसमें ऐड कर लें। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और हम इस मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। और इसमें तीन से चार हरी मिर्चें भी हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है कि जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी, इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसमें हम एक टीस्पून डाल देंगे नमक और इसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक तेज़ आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, हमने 5 मिनट तक इसको तेज़ आंच पे फ्राई किया है। ये इसका कलर चेंज हो गया है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, ये अब घी में जो हमने मसाला ग्राइंड किया है वो शामिल करेंगे। हम इसमें ये मसाला भी डाल देंगे। इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज और टमाटर का पेस्ट, ये सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे। और इसमें डालेंगे नमक, मैंने चिकन में पहले शामिल कर दिया था, इसमें मैं अभी भी डाल रही। ये एक टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, एक टीस्पून पिसा हुआ धनिया है। अब हम इस मसाले को भूनेंगे अच्छे तरीके से। मसाला हमारा भून चुका है, ये हमने अच्छे तरीके से इसको भून लिया है। अब इसमें हम टिंडे डालेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। टिंडे मैंने हाफ के जी लिए हैं, इसको मैंने जो छोटे हैं इसके 2 पीस करने हैं, जो बड़े हैं इसके मैंने 4 पीस करने हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे, इसमें भूनेंगे 3 से 4 मिनट। ये हमने 5 मिनट तक इनकी भुनाई की है। अब हम इसमें जो चिकन फ्राई किया था ये शामिल कर देंगे और इसको भूनेंगे। ये हमने इसकी 1 से 2 मिनट फ्राई की है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, आपको जितना पानी रिक्वायर्ड हो आप इसमें डाल लें। अगर आपने ज़्यादा शोरबा करना है तो शोरबा कर लें ज़्यादा, अगर आपने कम ग्रेवी वाला बनाना है तो आप इसको ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं। अब मैं इसको पानी पकने तक इसका आग इसकी तेज़ रखूंगी, जब पानी पकने लग जाएगा तो इसको दम पे लगा दूंगी और उसके टीले जब गल जाएंगे। ये शोरबा हमारा पकने लग गया, अब हम इसको मीडियम आंच पे रखेंगे जब तक कि इसके टिंडे गल जाए। हमारा रेडी हो चुका है, ये टिंडे हमारे गल चुके हैं। आप जितना शोरबा रखना चाहें उतना कर रख सकते हैं, आप ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया और 1/2 टी स्पून डालेंगे गरम मसाला। और इस स्टेज पे आप नमक टेस्ट करके, कम या ज़्यादा हो तो उसमें नमक भी शामिल कर सकते हैं। हम अब इसको डिश आउट करते हैं। ये हमारे सालन की फाइनल लुक, ये हमारा गोश्त भी टेंडर हो चुका है, हमारे टिंडे भी गल चुके हैं। अब आप इसे नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ और घर की बनी रोटी के साथ इंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।